जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में सीखा, किस तरीके से हमें डहलिया की कटिंग लगानी चाहिए और किस तरीके से हमें कटिंग लगाएंगे कि हमारी कटिंग बिल्कुल भी नहीं सूखेगी, सारी की सारी कटिंग उगेंगी, तो हमें यह भी हमने सीखा था कि किस तरीके से हम डहलिया का जो मदर प्लांट है उसकी कटिंग हम किस तरीके से लेंगे उससे कि हमारी सारी की सारी कटिंग लग जाए, बिल्कुल कोई भी कटिंग ना सूखे। तो आगे की जानकारी के लिए हम चलते हैं मिस्टर रामविलास जी के पास। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को और पाइए गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। बढ़िया रूट इसमें आ गया है, तो इसको हम गमले में ट्रांसफर करने के लिए हमारा ये बिल्कुल तैयार है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो है आपको ऊपर से रेजिड्यू देखो, ये पत्तों का रेजिड्यू दिख रहा है, जैसे कि हमने ये लीफ कंपोस्ट डाला है इसमें, और इसको 5-7 दिन पहले हमने मिला दिया था इसके अंदर। जैसा कि मैंने बताया था कि लीफ कंपोस्ट डालें तो 7 पार्ट मिट्टी का, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट का, 1 पार्ट हाफ पार्ट जो है हमारा, 1 पार्ट स्टोन डस्ट का और 1/4 पार्ट जो है नीम खली का इसमें होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मिलके और राइसस्क मिलके हमारी ये जो मिट्टी है तैयार है। इसमें पानी हम ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, इसलिए जितना सेटल होना था सेटल हो गया। अब इस मिट्टी को भी देख लो, किसी भी गमले को हम ले लें, जैसे मैंने बताया था कि उंगली डालेंगे और सीधी अंदर जाएगी, देखिए उंगली हमने डाली है, देखिए। तो इस तरह की हमारी मिट्टी है जिस वजह से हमारे प्लांट जो है इतना ग्रो करते हैं। तो आपको भी यही चाहिए कि मिट्टी की सूरत देखनी चाहिए बहुत बढ़िया, कि मिट्टी जितनी अच्छी होगी प्लांट उतना बढ़िया ग्रो करेगा। ये पहचान यही है कि अगर मिट्टी आपकी अच्छी है पानी डालने के बाद भी आपका उंगली जो है सीधी अंदर जाएगी। तो आप देखिए ये तैयार है हमारा, और ये हमारे कुछ जो अभी पौधे मैंने दिखाए हैं जो ये रूटिंग वाली हैं, इसको हम लगाएंगे कैसे। अगर इस तरह की मिट्टी है आपको तो खुरपे की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये देखिए उंगली से 2 किया ये होल हो गया। इसको अंदर कितना रखना है, अंदर जो है 2 से 3 इंच ही अंदर रखना है, 2 से 2.5 इंच। तो यहाँ तक हम इसको अंदर करेंगे, लो ये रूट जो है ना सारा अंदर जाना चाहिए, और इसको बड़े हल्के हाथों से हमने इतना दबाना है कि बस ये खड़ा रहे। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेस कर दिया, पूरे खड़े हो के दाब दिया तो उससे रूट वो चल ही नहीं पाएगा, फिर वो भी गलती हम लोग करते हैं। और इस तरह से ये पानी हम डाल देंगे, बस इतना ही पानी डलेगा, मतलब ये समझो कि 100 से 200 ग्राम पानी हमने पहली बार में डालना है। इस तरह इसमें भी इस तरह से किया और ये हमारा लग गया। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने इनको प्लांट्स को लगा दिया, अब केयर क्या करनी है। अब पानी हमने डाल दिया, कम से कम 4 से 5 दिन इसको पानी नहीं देना इस मौसम में। जैसे हम भी दिसंबर में बैठे हैं, दिसंबर का टाइम चल रहा है, तो 4 से 5 दिन हमें इसको पानी नहीं देने की ज़रूरत है। और क्या करेंगे, 5 दिन बाद ये खुरपी लेंगे और इसकी थोड़ी थोड़ी, जैसे ये देखिए कि मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का पौधा है तो इसको इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हल्का हल्का, मतलब 2 से 1.5 इंच जो है ना, इस तरह से गुड़ाई कर देंगे, इस तरह से गुड़ाई करके छोड़ देंगे। पौधा लगा के रोज़ पानी डालेंगे तो एयर जो है उसके रूट तक नहीं पहुंचेगी, नोट करें बात, तो वो पौधा नहीं सर्वाइव कर पाएगा, आपका मर जाता है। मोस्टली केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि आप पौधे ले आए, आपने लगाया और उसको जो है ना रोज़ पानी डाल रहे हैं, इवन के जो सेक्यूलेंट और सेंसनवेरिया जैसे प्लांट हैं जो कि इनडोर प्लांट्स बोलते हैं, क्रोटोन हैं, इनमें भी डेली पानी डालने की वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो आपने डेली पानी नहीं डालना, एक बार पानी डाल दिया 300-400 ml, तो सर्दियों के अंदर 3-4 दिन बाद ही पानी डालना है, लेकिन उससे पहले गुड़ाई कर देनी है। जैसे कि मैंने बताया, गुड़ाई करने से क्या होगा कि एरेशन इसके रूट को मिल जाएगी, इसके बाद आप क्या करेंगे फिर से पानी डाल देंगे। इसके बाद क्या करना है आपका, जब पता लगे पौधा चल गया सही खड़ा हो गया, तो आपने क्या करना है कि लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारा बना हुआ होता है, हमारे पास अवेलेबल होता है, वो लीफ के और उससे जो एक्सट्रैक्ट निकलता है डिफरेंट काइंड के, उससे बना होता है, उसमें वर्मी वॉश मिला होता है और उसके अंदर जो है अपना सरसों खली मिली होती है। तो प्रॉपर तरीके से हर न्यूट्रिशन, क्योंकि पीपल बर्ड और पिलखन के पत्तों से, बनाना के पत्तों से, बनाना के बेस से ये बना हुआ होता है, तो वो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप नंबर आएगा उससे देख करके मंगवा सकते हैं। तो अगला मैं बताता हूँ स्टेप कि वो तो डालना है, हर 15 दिन में आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको देना है, बढ़िया डेलिया आपने लेना है तो। और अगला स्टेप क्या है, वो डालते रहना है और आपने देखना है कि ये बडिंग शुरू हो रही है। जैसे देखिए इसके अंदर डेलिया के अंदर ये बडिंग शुरू हो गई, जैसे आपको महसूस हो कि थोड़ा सा बड आना शुरू हो गया है, तो एक रूट फिलिंग का मेथड होता है इसका, वो रूट फिलिंग का मेथड करना है। रूट फिलिंग का मेथड किस चीज़ से करना है, ये देखिए ये हमारा जो लीफ कंपोस्ट है, वो लीफ कंपोस्ट हम रूट फिलिंग में यूज़ करेंगे। रूट फिलिंग कैसे करनी है, ये इस तरह से आपको ये हटाना है, ये देखिए ये देखो किस तरह से इसकी रूट चल पड़ी हैं। इसको हम क्या करेंगे कि इस तरह से हटाएंगे मिट्टी को,
मतलब 2 इंच के अराउंड मिट्टी हटा देनी है आपने, और उसके अंदर एक मुट्ठी ये लिया और ये इसके अंदर हमने डाला, ऊपर मिट्टी से ढक दिया। दूसरी तरफ इसी तरह से हम लेंगे, इस तरह से खोदेंगे और ये मुट्ठी हमने ली 10 इंची के गमले में, ये 2 मुट्ठी हमने या 3 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट है तो इतना डालना है, अदरवाइज़ आप बर्मी कंपोस्ट अवेलेबल है आपके पास या गोबर की खाद है तो 4 से 5 मुट्ठी उसको डालना पड़ेगा। मतलब हमने 2 जगह डाली है, आपको कम से कम 4 जगह चारों कॉर्नर में खोद के और उसमें डाल के और ढक देना है। तो ये हमारी हो गई रूट फिलिंग, मतलब कि इसका जो है मतलब प्रोडक्शन होने वाली है, इसकी प्रोडक्शन होने वाली है तो हमने इसको एक्स्ट्रा जो भोजन है वो दे दिया हमने कि ये पड़ा रहे खाता रहे। और अभी आपको जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो हर 15 दिन में जो डालना है वो नहीं रोकनी है अभी, जब तक ये फ्लावरिंग आपकी खुल ना जाए। फ्लावरिंग एक बार खुल जाए तब आपको नहीं डालना है तो चलेगा, क्योंकि ये न्यूट्रिशन ले लेता रहेगा और जो अंदर से बननी थी वो बड्स बन चुकी हैं। तो आप ये देखिए कि जब बडिंग शुरू हो, इस कंडीशन में नहीं, इसकी हम पहले कर चुके थे लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें किया है, तो आपको ये देखना है कि जब ये बड शुरू हो, जैसे कि ये देखो ये कंडीशन है पौधे की, ये देखो इस कंडीशन में आपको करनी है। अब इसमें आपको महसूस हो रहा है कि ये देखो ये छोटा सा बड जो है ये बन रहा है, बड बन रहा है मतलब कि अब इसको न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत है। तो इसके बाद क्या होगा, जो बड आएगा आपका, जैसे मेरे गमलों में देखा कि 12-12 इंची के फूल हैं, 11-11 इंची के फूल हैं या 14 इंची के फूल हैं, और उसमें नंबर ऑफ़ फ्लावर्स भी कम नहीं कि 1 या 2 आ रहे हैं, 10-10, 12-12 फूल आ रहे हैं। तो इस तरह से फ्लावरिंग आपको लेनी है तो ये करना है और हर 15 दिन में न्यूट्रिशन डालना है। अब हम आगे आने वाले 1 महीने बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है। तो आपने देखा कि हमने लगाया रूट फिलिंग की, रूट फिलिंग के बाद ये देखिए कंडीशन होगी, लगभग रूट फिलिंग के 1 महीने बाद की कंडीशन ये होती है। ये कंडीशन होती है कि देखिए इसमें किस तरह से भर के जो बड्स आई हुई हैं और फ्लावर भी देखो कितना बड़ा है, इतना नंबर ऑफ बड्स आ गया है इसका कि ये जो बीच का मेन फ्लावर पहले निकला है, सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके बीच में दब रहा है बिल्कुल, और नंबर ऑफ जो बड्स हैं इसकी चारों साइड में निकली हुई हैं, जिसमें काउंट करें तो 11 से 12 बड जो हैं हो जाएंगी। अब इसकी ऐसी कंडीशन के लिए क्या करना है, इसको सनलाइट फूल चाहिए होता है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सर्दियों के जितने पौधे हैं, कोई कह दे कि सिनेनेरिया है, साल्विया है या इंडोर है, सभी को फुल धूप चाहिए होती है। अगर पूरे दिन की धूप आप दे सकें तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, प्लांट अच्छा ग्रोथ करेगा। अगर पूरे दिन की धूप आपके पास नहीं आती है तो कोशिश करें कि मॉर्निंग की मतलब 12 बजे तक की धूप तो इसको मिले ही मिले, क्योंकि जो सुबह की धूप पौधों को मिलेगी उसमें प्लांट अच्छा ग्रो करेगा, और जो दोपहर बाद की धूप मिलेगी तो वो नहीं ग्रो करेगा, मतलब प्रॉपर ग्रो नहीं होगा ठीक से। तो आप कहते हैं कि न्यूट्रिशन भी दिया, ये भी दिया, धूप तो लगती है 2-3 घंटे की, लेकिन धूप कौन सी लगती है, जो मॉर्निंग वाली धूप होती है उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है बहुत होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं, तो वो क्या क्रिया है कि उससे फूड बनता है प्लांट के पत्तों के अंदर। जैसे हमारे किचन में गैस जलती है, गैस जितनी देर तेज जलेगी खाना उतनी जल्दी पकेगा, तो इसको भी यही होता है कि इस पत्तों के अंदर इनका फूड बनता है खाने के लिए, और जितनी धूप पड़ेगी तो उतना खाना जल्दी बनेगा और इनको जल्दी मिलेगा, प्रोसेस्ड होगा जो भी नीचे से हमारा न्यूट्रिशन आ रहा है, पहले पत्तों में प्रोसेस्ड होता है फिर जा कर के इसके बड्स और फ्लावर तक पहुँचता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह की कंडीशन देंगे और जो मैंने आपको बताया है न्यूट्रिशन देंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र टाइम टाइम देते रहेंगे, तो ये देखिए कि स्टेम कितने कितने मोटे स्टेम हैं इन पौधों के, और इस तरह से ही फ्लावरिंग देखिए आप कि फ्लावरिंग इसके अंदर देखो कि ये जो सेंटर फ्लावर है ये बीच में दब गया, 3 फूल खिल चुके हैं और इतने खिलने को तैयार हैं। इसमें बड देखो, ये 2 बड यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 ही यहाँ है, ये इधर है, ये 2 है, ये सिंगल बड है, तो इस तरह से 3 और 2 5 1 6 7 8 9 10 11 12 जो फूल हैं इसके अंदर हमारे खिलेंगे, और इस तरह से जो नया खिल रहा है मतलब अभी खिला नहीं है उसकी भी कंडीशन देखेंगे। तो ये देखो इसको, ये नीचे बड़ रह गया, इसके अंदर आप देखिए कि ये 3 बड यहाँ है और 3 ही यहाँ है, 1 ये यहाँ और ये फिर 3 यहाँ, इसमें तो 3 की बजाय 4 बड हैं देखिए। तो इस तरह से फुल सनलाइट मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र मिलेगा। तो पत्ते का साइज़ देख लो आप, पत्ते के साइज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई कि कितना बड़ा पत्ता है और कितना बड़ा फूल होगा इसका। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से समझ आई होगी, और ये A to Z जो डेलिया की जानकारी है। तो आप अगर नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में फिर भी कहीं
कोई ज़रूरत हो तो पूछ सकते हैं। न्यूट्रिशन के लिए आपको बता दिया है कि लीफ कंपोस्ट इज़ द बेस्ट और लिक्विड फर्टिलाइज़र। लिक्विड फर्टिलाइज़र से क्या होता है कि इनको रेडी टू यूज़ भोजन मिल जाता है। जैसे हम जूस या सूप पी करके बड़ी जल्दी एनर्जेटिक फील करते हैं, इसी तरह से इनका जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देने पे दूसरे तीसरे दिन ही रेडी टू यूज़ होता है, फटाफट से रूट लेता है। और कलर देखिए, जो हम लीफ कंपोस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं जिसमें बनाना बेस से बना हुआ है, बनाना के अंदर पोटास की मात्रा, नेचुरल पोटास की मात्रा अच्छी होती है, जिस वजह से इसका कलर देखो आप, कि कलर देखते बनता है, चटक कलर है बिल्कुल, सभी में कोई फीका कलर। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही प्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।